बर्फ के अंदर आग लग गई। ओ भाई साहब, इस वीडियो में दिखाए गए किसी भी एक्सपेरिमेंट को घर पर ट्राई मत करना। हेलो गाइस, तो भाई मैं हूं हर्ष, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस सर, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है। ये देखिए गाइस सर, ये है मेरे पास एक सोडियम मेटल जो पानी के साथ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से रिएक्ट करता है। बट गाइस सर, जो हमारा पानी है वो एक लिक्विड होता है, जब हम उसके अंदर एक सोडियम को डालेंगे तो एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। बट गाइस सर, एक बार सोच कर देखिए, जब हम एक सॉलिड पानी के अंदर, यानी कि गाइस सर हमारी बर्फ के अंदर जब हम सोडियम मेटल को डालेंगे तब क्या होगा। तो चलिए गाइस सर, वीडियो कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, चलिए शुरू करते हैं। गाइस यार, अभी जो हमारा सॉलिड फॉर्म के अंदर पानी है, यानी कि बर्फ, अभी हम उसको बाहर निकालने वाले हैं इस पानी की मदद से। तो ये देखिए गाइस यार, कुछ इस तरीके से हमारी जो बर्फ है अभी वो बाहर आ चुकी है। और अभी मैं इसके अंदर इस एक शार्प ऑब्जेक्ट की मदद से इसके अंदर छेद करूंगा और उसके बाद उसके अंदर डाल दूंगा सोडियम मेटल को। तो चलिए गाइस यार, पहले हम इसको एक प्लेट के अंदर रख लेते हैं। इतने में गाइस आप वीडियो को लाइक कर दो, मैं आपको मिलता हूँ इसके अंदर शेड कर। अभी जो हमारी बर्फ थी हमने उसके अंदर एक बड़ा सा शेड कर दिया है, और ये देखिए, और हमने छोटे छोटे टुकड़े के अंदर हमारा सोडियम मेटल है वो कट भी कर लिया है, ताकि जो हमारा बर्फ का शेड है इसके अंदर हम सारा सोडियम मेटल डाल सकें। और गाइस अभी मैं बात करते करते मैंने हमारी जो बर्फ है वो पिघल सकती है। अभी मैं इसके अंदर फटाफट से सोडियम मेटल को डालने वाला हूँ, दिल थाम कर बैठ जाएंगे। अरे यार, थोड़ा सा बाहर चला गया है, बट अभी जो रिएक्शन है वो शुरू हो चुकी है हमारी बर्फ के साथ। बर्फ के अंदर आग लग गई। ओ भाई साहब, और थोड़ी सी हवा चली उसकी वजह से हमारी जो बर्फ है वो गिर चुकी है। और अभी अरे भाई यार, थोड़ा सा डेंजरस ही है इसकी रिएक्शन है। अरे टेबल, अरे बाउल बन चुकी है उसकी और वो घूम रही है। ओ भाई साहब, अरे मेरा फोन था उसके पीछे। अरे थोड़ा सा रिस्क लेकर वीडियो बनानी पड़ती है यार। भाई धीरे धीरे से रिएक्शन हो रही है, बट यार उसको जो देखने में मजा आ रहा है ना, वो पूछो मत यार, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है यार। गाइस यार, जिसके अंदर हमने छेद किया था, यानी कि बर्फ के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा गहरा हो चुका है। टच करके देखो, अरे ठंडी है एकदम ठंडी। भाई साहब, सरसर हो रही है, चिकनासा हो गया, चिकनासा हो। भाई बर्फ के अंदर ना जो हमारी पैराफिन की लेयर होती है ना, उसके अंदर सोडियम मेटल के ऊपर जो लगी होती है। अरे यार, सरसर सी हो रही है, थोड़ा सा डर लगता है। रिस्क लेकर उठा लिया गाइस। ये देखिए अभी इसका जो शेड देखिए कितना बड़ा हो चुका है, बिल्कुल गुलाई के अंदर वो हमारा शेड है, वो इसके अंदर है। और ये देखिए गाइस यार, इसके अंदर एक होल भी है, यहाँ से निकल के बाहर आ चुका है हमारा जो सोडियम मेटल था ना, यहाँ से सोडियम हमारा बीच में से निकल गया इसके, इससे हम सोडियम मेटल का अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक है। और एक बार ये देखिए पानी के अंदर भी जो हमारा सोडियम मेटल है ना, वो इसके अंदर रिएक्ट हुआ पड़ा है। और बस गाइस यार, आज की वीडियो में तो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत। और एक बार कमेंट करके भी जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी।